तो गाइज आज मैं ट्रैप करने वाला हूँ 100 एल को अपने माइनक्राफ्ट हार्डकोर वर्ल्ड में और गाइज जैसे कि तुम्हें पता होगा कि हम एनिमल्स को पकड़ के उन्हें थोड़ा बहुत खिला पिला के दो से तीन बना सकते हैं मतलब ब्रीडिंग करा सकते हैं लेकिन के, के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है हम उनको कितना भी खिला पिला दे वो दो से तीन तो करेंगे नहीं आई मीन I mean, वो ब्रीडिंग नहीं करते और अगर मुझे हंड्रेड एल चाहिए तो मुझे हंड्रेड एल को पकड़ के लाना पड़ेगा यानी की उन सबको घसीट घसीट के लाना पड़ेगा और जैसे की तुम्हें पता होगा की एलेस का स्पॉन लोकेशन सिर्फ दो ही जगह एक प्लेजर

हंड्रेड लीड चाहिए यानी कि थोड़ी सी ज्यादा भी चाहिए हमें और उनको बनाने के लिए तो हमें काफी सारी स्ट्रिंग्स लगेंगी तो सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ क्यों ना एक स्पाइडर स्पोनर जो हमें माइंड शाफ्ट में मिलता है वहां पर मैं एक एक्सी एक फार्म बना लूँ ताकि मुझे स्ट्रिंग्स बहुत ही ईजिली जमा हो जाए और स्पाइडर फार्म या फिर एक्सी फार्म दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं उसके लिए हमें जो भी सामान चाहिए मैं यहाँ पे ऑलरेडी सारा सामान जमा कर लिया मतलब बहुत ही ज्यादा सिंपल है एकदम कोई टाइम नहीं लगेगा होपॉपर वगैरह सिंपल चेस्ट अगर वही सिंपल वाला फार्म देखा होगा जो नॉर्मल बनता है ना वही मैं बनाने वाला हूं ताकि मुझे काफी सारी स्ट्रिंग्स ईजिली मिल जाए तो फटाफट से चलते हैं एक माइंड शाफ्ट ढूंढते हैं और ये शायद मैंने लूटी हुई

फाइनली हमारे यहाँ पे स्पाइडर फार्म तो बन के रेडी हो चुका है जो स्पाइडर फार्म भी है और एक्सी फार्म भी है मतलब वही दोनों चीजें मिल जाएंगी हमें यहाँ से और काफी सारी मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग्स ऑलरेडी जमा कर ली है चार पांच स्टैक हो चुके हैं इतने तो चाहिए भी नहीं पर मैंने काफी ज्यादा रख लिया है चांस कम पड़ जाए तो सेफ साइड रहना चाहिए बिल्कुल तो फिलहाल आप सीधा यहाँ से घर चलते हैं देखो अपने पास यहाँ पे स्ट्रिंग्स वगैरह तो काफी सारी आ चुकी है अब मुझे चाहिए काफी सारी स्लाइम स्लाइम बॉल होती है वो चाहिए मुझे काफी सारी और जहां तक मुझे लग रहा है मेरे पास एक भी नहीं होगी स्लाइम क्योंकि मैं स्लाइम का बहुत कम यूज करता हूँ ना मैंने उसका कोई फार्म बनाया ना ही कुछ करता हूँ तो मुझे और दो लीड बनाने के लिए हमें एक स्लैम लगता है तो यानी कि मिनिमम मुझे पचास चाहिए यानी कि मैं एक या डेढ़ स्टैक भी लाऊंगा तो बहुत रहेगा और मैं डेढ़ स्टैक की बात कर रहा था मेरे घर में एक भी स्लैम बॉल नहीं है कति गरीब हो रहा हूँ मैं अपने वर्ल्ड में चलो यहाँ पे अपना शलकर बॉक्स भी खाली हो गया इसको यहाँ से कलेक्ट करते हैं और सीधा निकलते हैं मुझे स्वैम्प वाली बायोम ढूंढनी है वहाँ पर स्लैम जमा करेंगे ढेर सारे क्योंकि स्लैम फार्म बनाना भी जरूरी नहीं है तो वो मैं अभी नहीं बना रहा हूँ थोड़ी बहुत मार पिटाई करके जमा कर लेंगे और ये वही जगह है जहाँ पर मैंने कुछ दिन पहले सौ वर्ड को मारा था नहीं देखा तो यार जाके देखो यार इसे फाइनली मुझे यहाँ पर एक वाली बायोम भी मिली और यहाँ पर ना बगल में एक विलेज भी है और विलेज को लूटना किसी काम का है नहीं तो विलेज को छोड़ो बाद में लूटेंगे और ये अच्छी बात है मैं रात में पहुंचा पहुंचाऊँ यहाँ पे तो ये अपने लिए अच्छी बात है एक स्लाइम वगैरह मिल जाता अरे हाँ ये रे ना अपने स्लाइम भाई साहब जल्दी से मुझे थोड़े बहुत स्लाइम दे दो यार तुम अरे तो छोटा वाला है जो भी है स्लाइम बाद में जमा करूंगा पहले इनको बताऊँ यार देखो यार इनको भाई रुक जा यार तू रुक जा ये जोबी भाई कितने हैं ये मानी है भाई जा, मेरे मेरे भी आग लगा दी तू रुक जा भाई मेरी हेल्थ इत... अच्छा मैंने लाइटर पहन रखी है ना मैं तभी तो, मेरी हेल्थ को ज्यादा नहीं जा रही स्लाइन दो मेरे को कितनी होगी मेरे पास छह सात तो होगी होंगी पहले भागो यहाँ से थोड़ा उड़ लेते हैं पहले और एक ये ना भाई ये ना अपना स्लैम भाई साहब ये तो भाई ये तो पूरा फैमिली पैक है यहाँ तो ढेर सारी स्लैम मिल जाएंगी मेरे को बहुत ईजीली एक और दो एक भाई कितने सारे छोटे छोटे कितने छोटे छोटे निकाल देते हैं अपने अंदर से ये एक को मारो बीस निकल जाते हैं और मेरे को बीस बॉल दे देंगे ये और चालीस भाई अच्छा लूटिंग थ्री भी तो लगी हुई है भाई अपनी स्वाड कम है क्या किसी से फोर्टी स्लाइन बॉल्स मिल चुके है मेरे को जिसमें से मैंने सिर्फ एक फैमिली पैक को मारा है और दो छोटे छोटे थे उनको मारा है बस सही तो है यार ये देखो भाई इनकी रखी है यार रात में बराहार अगर ये रात देखो ये तो शायद छोटा वाला है भाई रुक जा निशान एकदम परफेक्ट था लेकिन तुम्हारे भाई का देख रहे हो यहाँ भी जमा हो गया इनसे मुझे कोई पंगे नहीं लेने तुम आराम से अपना ऐस करो मैं एक फैमिली पैक और मिल जाए एक दो फैमिली पैक और मिल जाए अपना काम हो जाएगा बस यार दिख भी तो नहीं रहे हैं पता, हाँ ये रहा एक फैमिली पैक अपने बच्चे के साथ घूम रहा है छोटू के साथ अब जल्दी से ढेर सारी स्लाइम बॉल्स जमा कर लेते हैं फटाफट चलो यहाँ पे मैंने ढेर सारी स्लाइम बॉल तो जमा कर लिए काफी सारी हो गई मेरे पास ऑलमोस्ट दो स्टैक स्टैक हो 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 गए गए हैं हैं भाई 64 और 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 45 काफी सारे हो और देख रहे हो। और ये दो स्लाइम बॉल जमा करने के लिए पूरी रात मैंने मार पिटाई किया है मारते मारते कब दिन निकल गया पता नहीं चला पर ये अच्छी बात है अपना सारा काम हो गया मैं सोच रहा हूँ एक बार और चक्कर मार लेता हूँ क्या पता कोई रात का स्पॉन हुआ मुझे एक और मिल जाए तो थोड़ी बहुत स्लाइम बॉल्स और जमा कर लेंगे पर मुझे लग नहीं रहा कोई आस होगा क्योंकि अब तो कोई नहीं दिख रहा है अब तो शायद ही कोई

रखने की भी जगह नहीं है खैर छोड़ो सीधा आगे चलते हैं और उसके बाद मैं सीधा निकल गया दूसरे प्लेजर आउट पोस्ट की खोज में चलो फाइनली मुझे यहाँ पर एक और प्लेजर आउट पोस्ट मिला जो कि देखने में लग तो रहा है कुछ मिल जाएगा पहले ऊपर वाली चेस्ट लूट लेते हैं क्योंकि लूटना सबसे ज्यादा जरूरी है और इसमें ओ एक हॉर्न हाँ बकरी का हॉर्न मिल गया भाई यही तो हमें चाहिए था बाकी ये कूड़ा कवाड़ा अपने किसी काम का नहीं है सीख वाला है देखते हैं कैसी आवाज देता है हम्म काफी सही है ये भी साउंड और हाँ ऐसे शायद आठ या नौ होते हैं मैं ट्राई करूंगा कि सारे जितने मैं कलेक्ट कर सकूं कलेक्ट करूं क्योंकि मैं काफी सारी प्लेजर आउट पोस्ट तो लूटूंगा ही क्या पता उनमें मुझे काफी सारी मिल जाए पहले जाके इनको निपटाऊं निपटाऊल एस वगैरह हाँ इसमें है ना मेरे को दिख रहा है एक पोस्ट है इसमें सबसे पहले उन्हीं को आजाद करते हैं वरना तो यार इनको मानने बैठ गया तो अपना टाइम बहुत ज्यादा जाएगा और दो है इसके अंदर मैक्सिमम दो ही मिलेंगे क्या यार अगर दो ही मिलेंगे तो मुझे पचास भाई पचास लूटने पड़ेंगे पचास बाद में लूटेंगे दो ही मिल सकते हैं अगर तीन तो और काफी सही है। चार तो बहुत ज्यादा पर अभी फिलहाल दो ही मिले हैं तो इनको लेके चलेंगे और मुझे अरे बेड रूम का इफेक्टिव मिल गया तो मुझे दूध भी पीना पड़ेगा फिलहाल इनको मैं एकदम आजाद कर देता हूँ इनको पकड़ लेता हूँ पहले आजा आ जा, जा।, आ जा भाई क्यों भगरी आजा और दूसरी की अबे अरे भाई दूसरी कहाँ उड़गी अरे भाई ये तो बड़े चालू हैं पहली मैंने पकड़ी दूसरी उड़गी अपने आप ही अरे भाई कहाँ चलेगी यार आजा मेरी प्यारी एले आजा मेरी प्यारी एले आ जा अरे बोरी बोरी देखो ये मार रहे हैं भाई मेरे एले को पहले इसको निपटाते हैं फिर इसको उठा के निकल लेंगे सीधा अरे मैंने इसको स्टोन दे दिया चलो स्टोन ले लिया कम से कम हाथ में तो आ गई अब देखो पहली वाली उड़ेगी याद दुखी कर दिया इन्होंने अब <laughs> क्या करूं ऊपर पकड़ना तो पड़ेगा यार इधर उधर ही उड़ रही होगी कहीं ओ एडवांसमेंट अच्छा ये स्टोन मुझे वापस ला के देती है तो एडवांसमेंट मिलती है ये सही है चलो और ये भी चलो ठीक है कि मैंने दोनों को फाइनली पकड़ लिया है भाई इनको लेके जाना बहुत सर दर्द है यार ये दो मिनट में भाग जाती हैं लेकिन मैंने एक मस्त ट्रिक ढूंढ लिया इनको घर ले जाने की मैंने क्या ढूंढी ये पहले से ही है देखो मैंने ना इनको दे दिया स्टोन तो जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं मैं क्या करने वाला हूं इनको मैंने ना स्टोन पकड़ा दिया है तो मैं थोड़ी थोड़ी दूर पे जाते जाते स्टोन फेंकता रहूंगा ये पीछे पीछे आएंगे मेरे स्टोन उठाएंगे और मेरे पे आके ड्रॉप कर देंगे तो ऑटोमेटिकली मेरे पीछे पीछे आती रहेंगी तो इसी लालच में इनको घर लेके चलते हैं लेकिन घर ले जाना भी सेफ बिल्कुल नहीं है पहले एक बाल्टी दूध पीना पड़ेगा यार वरना हमारे साथ साथ हमारे मेहमान भी हमारे घर आ जाएंगे फाइनली दो को ट्रैप कर लिया बस नाइनटी और बाकी है बहुत ज्यादा बाकी है यार बस ऐसे मुझे फोर्टी नाइन मिनिमम बता रहा हूँ वो तो वो तो पता नहीं कितने प्लेजर आउटपोस्ट पे रेड करनी पड़ेगी वैसे हाँ वो मैं भी तो मिलती है वहां भी जा सकता हूं मैं तो चलते हैं सीधा फिर से लग जाते हैं काम पर चलो यहाँ पर मुझे एक और प्लेजर आउटपोस्ट मिली है और देखने से तो लग रहा है यहाँ पर एलेस तो मुझे दिख नहीं रही है सही में लेकिन गोलम भैया दिख रहे हैं पहले गोलम भैया को आजाद करना था भाई मारना नहीं था भी नहीं कर रहा आजाद तो क्या मैं लगी भाई गलती से एक गोलम भैया यहाँ भी है इनको आजाद कर देता हूँ इनको संभल के आजाद करेंगे भाई पिछली बार अरे रुक जा भाई मत मार भाई ये गोलम भैया अपना काम करो मैं LA's, अच्छा सामने मेरे को दिख रही है दो एलेस इनको लेके चलते हैं दो है तीन है मैं दो बोल रहा हूँ पिछले में दो मिले थे इसमें भी दो ही है यार सब में दो ही मिलते हैं क्या यार तीन भी मिलते हैं इनको सबसे पहले मैंने कोबल स्टोन दे दिया इनको अब आराम से लेके जाऊंगा देखो एक बार कोब्ल स्टोन दे दिया ना फिर कोई टेंशन नहीं है क्यूँकी मैं यहाँ पे जैसे ही ड्रॉप करूंगा कोब्ल स्टोन ये कलेक्ट करने आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली मेरे पीछे आ रही है हमें एक चीज कह रहा था ये कमेंट में बताना एक बार की ये दो ही मिलती है हमें प्लेजर आउटपोस्ट में और तीन भी मिल सकती है क्योंकि मुझे यहाँ पे सिर्फ दो ही मिल रही है उससे ज्यादा मिल ही नहीं रहे हैं तो बताना जरूर एक बार अगर तुम्हें पता हो तो और अब होगी हमारे पास चार एल बस अब नाइनटी और चाहिए, ज्यादा नहीं है पर काफी ज्यादा है यार एक और मिला है मुझे प्लेजर पोस्ट और चेस्ट में देख लेते हैं पहले क्या है अरे चेस्ट में तो हॉर्न मिला नहीं चलो छोड़ो एलेस यहाँ पर मिल जाए मुझे बस चलो यहाँ पे भी, भी मुझे एल मिली है यार यहाँ भी दो ही है दो ही मिलती है यार तीन मिलती तो यार सही रहता अब दो दो सब में मिलेंगे तो यार काफी टाइम लग जाएगा फिर तो। अरे कोई नहीं अब चैलेंज लिया तो कम्पलीट भी कर देंगे लो ये होगी अपने पास छह बस अब -फोर और बाकी है। बस वन मोर प्लेजर आउट पोस्ट यहाँ भी अपने पास एक आध एल मिल जाएंगे पहले गुलम भैया को एज यूज आजाद करेंगे बस मारेंगे नहीं इस बार और एल मुझे यहाँ भी दिख रही है वो भी सिर्फ दो ही है मुझे लग रहा है दो ही मिलती है यार फिर भी कमेंट में मुझे कंफर्म कर देना इनको भी हैं और सीधा इनको घर लेके चलते हैं फटाफट और अब अपने पास हो चुके और बाकी हैं सब में यार दो ही मिल रहे हैं यही तो दिक्कत है अगर मुझे ना तीन चार मिल जाए ना किसी में तो मजा सा आ जाए पर दो से ज्यादा नहीं रही है इस वाले चेस्ट में भी देख लेते कुछ मिल जाए तो इस, हाँ इस वाले चेस्ट में भी है, एक फील फील कैसे बचता है एक बार बजा के देख लेते हैं अरे ये कोई ये तो पादरा है काफी अजीब सी साउंड है यार इसकी तो खैर इस वाले में तो मुझे एक भी एले नहीं मिली आगे चलते हैं फिलहाल अब वन मोर प्लेजर आउट पोस्ट बस इसमें भी देख लेते हैं चेस्ट में क्या है सिंग ये क्या गाना गाएगी अब एक बार इसको भी बजा के देखते हैं ये कैसा है बजा ये है एकदम जंग का ऐलान करने वाला पर काफी कम टाइम के लिए बजा मतलब एक दो सेकंड के लिए भी नहीं बजा और यहाँ भी होनी हाँ चलो यहाँ तो है एल एट नहीं हुआ है इसमें भी दो ही हैं भाई मुझे लग रहा है दो ही मिलती हएंगी पर लो यारो और मुझे इनसे लड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है मैं जा रहा हूँ सीधा अपने घर तुम बस धीरे चलाते रहो पीछे से और ये होगी अपने पास पूरी दस एलेज बस अब नब्बे और ची तो फिर से लग जाते काम पर और इस काम में लगने वाला बहुत ज्यादा टाइम तो अब सारी चीज मैं नहीं दिखा पाऊंगा पर तो फास्ट फॉरवर्ड करके एकदम दो मिनट में दिखा देता हूं तुम्हें तो फाइनली काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद अपने पास आ चुके हैं पूरी के पूरी हंड्रेड एल ये देखो भाई ये देख रहे हो ना सारे के सारे मेरे पीछे हाथ धो के पड़ी हैं पता नहीं क्या चाहिए इनको मेरे से सबके हाथ में मैंने पहले से एक एक दे दिया है लेकिन सबको और चाहिए क्या फालतू जोक मार रहा हूँ मैं भी तो फाइनली हमने यहाँ पर हंड्रेड एल को तो पकड़ लिया लेकिन इनको पकड़ने में जो मेरी वाट लगी है ना वो मैं ही जान सकता हूँ यार मैं थक गया सही बता रहा हूँ बहुत ज्यादा टाइम लग गया यार इनको पकड़ने में और मैं सोच रहा हूँ जितने भी एलेज है ना सौ सौ इन सब को ना अपने डेजर्ट टेम्पल में डाल देता हूँ बनाया भी नहीं के लिए ना कलर मैचिंग मैचिंग देख रहे हो लेकिन भाई तेरे लिए तो बिल्कुल नहीं बनाया यार मगर क्यों नहीं। और कोई है यहाँ पे छुपके बैठा होगा इसका भाई बंधु देखा मैंने कहा था ना कोई ना कोई तो छुपके बैठा होगा इसके अंदर तुम्हारे लिए नहीं है ये सिर्फ मेरी प्यारी प्यारी एलेस के लिए है। और न मैं इसको चारों तरफ से ना बंद भी कर दिया ऊपर से भी और साइड साइड से ताकि ये उड़ के बाहर ना भाग जाए इसके अंदर ला इनको फेंक दूंगा अभी आई मीन उड़ने देंगे यार इनको यहाँ पे यहाँ पे लाके छोड़ दूंगा फेंक दूंगा ये किसने कहा और इनको लाने के साथ साथ अपना दूसरा काम भी हो गया ये देखो लिटरली मुझे इतने सारे हॉर्न मिले हैं भाई देख रहे हो कैसे कैसे सिंग फील पौंडर भाई कैसे कैसे नाम है कॉल फील आधे रिपीट भी है पर जितने भी नए नए मैं उनको बजा के एक बार दिखा देता हूँ तुम्हें भी कि कैसे हैं वैसे मुझे पता नहीं है कि मुझे सारे तरह के गए हैं नहीं मिले लेकिन मुझे पे सात या आठ तो मिल चुके हैं एकदम जो है ना चलो इनको एक बार भी ये वाला था वो ये तो भाई बादने वाला है ये भाई क्या है कॉल कैसा एक बार इसको भी बजा के देखते हैं ये भाई ये तो शोर मचा रहे है किसी को लावा में फेंक दिया हो, कुछ ऐसे अजीब सा हाँ ये भी कुछ वैसा ही है जंग का ऐलान कर रखा है इसमें भी है ये क्या था ये तो कुछ समझ ही नहीं आया उल्टा सीधा बजाती है ड्रीम भाई साहब वाला देखते हैं कैसा है ड्रीम ये क्या था भाई ड्रीम ने क्या बजा दिया ये अजीब सही ये तो भाई पादने वाला है। यार बेकार है भाई कुछ कुछ ठीक है है मतलब ज्यादा खास है नहीं पर ठीक है अपने को मिल चुके काफी सारे अब इन सबको आजाद करते हैं इन सबको मैंने खोल दिया है बस अब इन सबको अंदर लेके चलते हैं आ जाओ बस फटाफट आ जाओ मेरे पीछे पीछे देखो भाई क्या एक स्टोन के पीछे कितने भाग रहे हैं ये नहीं एक जन आ जाए भाई देखो सारे झुंड बना आ जाओ आ जाओ मेरे पीछे आओ भाई आ जाओ यार आओ भाई मेरे को देखो भाई मेरे को धक्का मार के आगे उसको कलेक्ट करने जा रहे हैं पता है जब मेरे पास वापस देना पर फिर भी अजीब है यार ये भी खैर छोड़ो बहुत टाइम वेस्ट कर लिया इसको अंदर 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 इनको लेके आते हैं अंदर आ जाओ बस सारा स्टोर में गिर अपने आप सारे के सारे अंदर आ जाएंगे देखो आगे ना अपने आप। इन कैद हो दो बंद करो इसको आ, कैद नहीं किया यार उनको नया घर दिया देख रहे हो डायमंड से बना हुआ वो भी मैं लकड़ी के घर में रहता हूँ लेकिन इनके लिए डायमंड का घर दिया है देख रहे हो फाइनली आज हमने हंड्रेड एल को पकड़ लिया उनके नए घर में उनको रख भी दिया जिसमें सही में वाट लग गई मेरी पर होपफुली आपको इस वीडियो में मजा आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना की वीडियो कैसी लगी और बताना की मुझे अगले एपिसोड में क्या करना चाहिए बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय